नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी के खास कार्यक्रम में। हर राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ दिव्यानी शर्मा। चलिए बात करते हैं राजस्थान से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की। देव दर्शन यात्रा से उड़ेगी बीजेपी कांग्रेस की नींद। राजस्थान के नौजवान नेता और पहली बार विधायक बने रविंद्र सिंह भाटी देव दर्शन यात्रा पर है। इस नौजवान नेता ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की नींद उड़ा रखी है। लोकसभा चुनाव में यह निर्दलीय नेता अगर मैदान में उतरता है तो इनके सामने बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी को हार का सामना करना पड़ सकता है। तो 17 डिप्टी एसपी के तबादले। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारियों की बड़ी ट्रांसफर लिस्ट जारी की है। प्रदेश में कुल 317 डिप्टी एसपी के तबादले किए गए हैं। इसी के साथ 31 प्रशिक्षु आरपीएस अफसरों को भी पोस्टिंग दी गई है। माना जा रहा है कि आचार संहिता लगने से पहले एक और ट्रांसफर लिस्ट सामने आ सकती है। बीजेपी से गठबंधन कांग्रेस को गले की बन सकती है फांस। राजस्थान लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। महेंद्र जीत सिंह मालवीय के बाद अब कांग्रेस के 25 और नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब चर्चा है कि कांग्रेस वागड़ क्षेत्र में क्षेत्रीय पार्टी बीजेपी से गठबंधन करने वाली है। अगर कांग्रेस ने बीजेपी से गठबंधन किया तो वागड़ क्षेत्र के कांग्रेसी नेता इसका विरोध भी कर सकते हैं। राज्य सरकार ने किए 5 MOU। राजस्थान को अब बिजली संकट से परेशान नहीं होना पड़ेगा। भजनलाल सरकार ने हाल ही में राजस्थान को पावर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। बिजली उत्पादन के लिए विद्युत निगमों और केंद्रीय उपक्रमों के बीच 5 MOU और 1 पावर परचेज पर एग्रीमेंट हुआ है। इसके तहत अब ऊर्जा सेक्टर में 1.60 लाख करोड़ रुपए के निवेश किए जाएंगे। पायलट के गढ़ में जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर लड़ सकती है चुनाव। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच टक्कर शुरू हो गई है। बीजेपी के पहले लिस्ट आने के बाद दूसरी सूची का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट से बीजेपी की 2 महिलाओं के नामों की चर्चा है। सौम्या गुर्जर और अलका गुर्जर में से पार्टी किसी एक को टिकट देकर गुर्जर बाहुल्य सीट पर निशाना साध सकती है। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे अयोध्या। राजस्थान की भजनलाल सरकार के मंत्री और विधायक आज सीएम के साथ अयोध्या पहुंच गए हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रामलला के दर्शन कर वह चुनावी बिगुल बजाएंगे। सीएम के साथ 23 मंत्री, 8 सांसद और 61 विधायक शामिल हैं। हाल ही में भजनलाल शर्मा की कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। राहुल कस्वा आज कांग्रेस में हुए शामिल। राजस्थान में बीजेपी प्रत्याशियों की पहले सूची सामने आने के बाद जिन सांसदों के टिकट कट गए अब वह विरोध कर रहे हैं। शुरू से बीजेपी सांसद राहुल कस्वा के आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वहीं राहुल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस में शामिल होने के पहले भी संकेत दिए थे। इसके बाद दिल्ली में आज कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ली है। वैभव गहलोत को टिकट नहीं मिलने की संभावना। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली सूची का सभी को बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच अशोक गहलोत के बेटे वैभव के चुनाव लड़ने की चर्चा राजस्थान में बनी हुई है। इन चर्चाओं और वैभव गहलोत की उम्मीदों पर कांग्रेस हाईकमान पानी फेर सकती है। सूत्रों के अनुसार हाईकमान ने वैभव गहलोत को टिकट देने से इनकार कर दिया है। तीन दिन बाद असर दिखाने लगेगी गर्मी। राजस्थान में सर्दी अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। दिन में तेज धूप खिलने से मौसम में बदलाव हो रहा है। तापमान में बढ़ोतरी होने से एक दर्जन से ज्यादा जिलों में पारा 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। इसी के साथ फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। अगले 2 दिन बाद पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने पर ही बारिश का अनुमान लगाया जा सकता है।
कांग्रेस के कई पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक भाजपा में शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव और लालचंद कटारिया सहित कई कांग्रेस नेता रविवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस के पूर्व विधायक ऋषपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, खिलाड़ी बेरवा, पूर्व निर्दलीय विधायक और गुजरात के पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल के बेटे आलोक बेनीवाल, कांग्रेस सेवा दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चौधरी, पार्टी नेता रामपाल शर्मा, रिजु झुनझुनवाला और अन्य नेता भी भाजपा में शामिल हुए। जयपुर में भाजपा मुख्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इन नेताओं का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को पोखरण में सैन्य अभ्यास भारत शक्ति का अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को राजस्थान के पोखरण में सेना के तीनों अंगों की भागीदारी वाले सैन्य अभ्यास भारत शक्ति का अवलोकन करेंगे, जिसमें स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का समन्वित प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ने रविवार को एक बयान में कहा कि मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए मंगलवार को गुजरात का भी दौरा करेंगे। बयान में कहा है कि भारत शक्ति के दौरान देश को आत्मनिर्भर बनाने की पहल के आधार पर स्वदेश विकसित हथियार प्रणालियों और प्लेटफॉर्म की एक श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी। इसमें कहा गया है कि यह अभ्यास भूमि, वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्र में खतरों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की एकीकृत परिचालन क्षमता को प्रदर्शित करेगा। हाई टेंशन तार की चपेट में आए बच्चे की मौत पर मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त की। राजस्थान के कोटा में महाशिवरात्रि के मौके पर शिव बारात के दौरान बिजली के तार की चपेट में आने से झुलसे एक बच्चे की रविवार सुबह जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने मृत बच्चे के परिजन को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए के अनुग्रह राशि की घोषणा की। इसके अलावा उपचार के लिए जयपुर स्थानांतरित किए गए घायल बच्चों को 1-1 लाख रुपए एवं कोटा में भर्ती घायल बच्चों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए। यदि राजस्थान से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें जो हमने आपको बताई, ऐसी तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी के साथ।